एक्चुअली बर्थडे का मतलब ये है कि ये मेरे दोस्त जो मेरे लिए आए हैं यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार है. बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए होता है कि जो भी लोग जो भी आपके रिलेशन में होते हैं जिनसे आप जुड़ते हैं उनकी दुआएं आपके लिए बहुत मायने रखती हैं. और जो भी लोग मेरे लिए आए हैं शायद मेरे लिए भगवान की दुआओं की तरह ही है. अमर भैया हों, पिंकू भैया के गए, सुनील भैया, सूर्यन्ना, जितने भी लोग यहाँ पे, भूषण और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. ये जितना भी धन्यवाद दूँ वो मेरी तरफ से कम है. उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और इससे बस ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती जब आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं. मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इसको पूरी तरीके से इन्जॉय कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच जितने भी लोग आए हैं. डेफिनेटली फैमिली को तो जरूर मिस कर रहे हैं, जिन माँ बाप ने सब कुछ सिखाया. मम्मी पापा को एक्चुअली जो कुछ भी हो उनकी वजह से हूँ, तो वो तो सबसे ऊपर है, भगवान के समान है. और निश्चित तौर पर उन्हें मिस कर रहा हूँ. अपने भाई को मिस कर रहा हूँ गौरव भैया, बिकॉज उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे यहाँ तक लेके आने में. और जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत रहा है. जो नहीं मेरे साथ हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. जो लोग आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अपने दिल से अपनी मेहनत करते हैं और भगवान आपके साथ है तो आपको निश्चित तौर पर आगे जाना है. और ये मेरे भाइयों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा. फिल्मों का मतलब कि मेरी खुद की देवाइश फिल्म्स मेरी प्रोडक्शन है और उसके बैनर तले मेरी एक फिल्म भी बन रही है. और अभी क्राइम पेट्रोल वगैरह क्राइम स्टोरीज हम करते रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे देखा जाएगा फ्यूचर में कुछ करने के लिए सोचेंगे. और कुछ अनाउंसमेंट कुछ बता दीजिए, कुछ क्या कुछ नया करने वाले हैं. अभी रिसेंट हम एक पंजाबी गाना शूट करने जा रहे हैं. बहुत प्यारा गाना, उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है. उसका शूट हम 5 से 6 दिनों में करने वाले, उसको टी सीरीज के साथ लगभग लॉन्च करेंगे. तो लगभग कुछ नए प्रोजेक्ट्स और आने वाले, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. आलोक जी एक बहुत तरह के केक आपने काटा है, कुछ बताएं केक के बारे में. केक तो सारे एक जैसे ही होते हैं, उनको जैसे कि इंसान एक तरह के होते हैं उनके चेहरे अलग अलग होते हैं. उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करके आप जिस तरीके से देखें, जितने भी केक जो लोग लेकर आए और सारे केक सबके लिए, सबको दिल से प्रेस, सबको धन्यवाद. बहुत ज़्यादा खुशी है इसके लिए. आलोक जी आपका बर्थडे है तो कुछ इतनी साल के अंदर कुछ यादगार बर्थडे के अंदर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, किस तरह रहा हर साल के अंदर बर्थडे के बारे में. बर्थडे के तौर पे निश्चित तौर पर शायद ये बर्थडे हर बर्थडे से बहुत ज़्यादा शानदार रहा है, क्योंकि ट्रू हर्ट ये टाइम जो दौर चल रहा है ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा संघर्ष का दौर चल रहा है. इस समय इस तरीके का बर्थडे होना मेरे लिए एक निश्चित तौर पर अप्रत्याशित रूप से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक सफलता है. और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सबको मैं जितना भी धन्यवाद करूँ मेरी तरफ से कम है. लेकिन हर एक इंसान जिसको मैं जानता हूँ जिसको नहीं जानता हूँ उन सबको दिल से धन्यवाद. और अमर भैया बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेक मी और इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. अमर भैया क्या कहना चाहेंगे आलोक के बारे में. आलोक मेरे छोटे भाई हैं. आलोक बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, सबका आशीर्वाद बना रहे साथ में. जय श्री माँ का. जय श्री माँ. तंग तो अभी तक तो नहीं किए हैं, आगे देखेंगे तंग करते हैं कि नहीं करते. सर आप क्या कहिएगा. मेरी तरफ से आलोक जी को, आलोक जी हमारे बहुत ही परम मित्र और मेरे छोटे भाई जैसे हैं. हाँ, मेरे बड़े भाई हैं एक्चुअली. मेरे बड़े भाई की तरह हैं, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए ज्ञान भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं इनकी. मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये इससे बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करें और तरक्की करें और इनके साथ जो दोस्तों का हुजूम है वो बढ़ता चला जाए. और ज्ञान भाई को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लखनऊ से पर्सनली मेरे लिए आए हैं. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मेरे लिए जैसे मैं हूँ वैसे ही हैं. थैंक यू वेरी मच आने के लिए ज्ञान भाई. आलोक जी आज से ये देवाशीष फिल्म और सिनेमा ग्रुप की तरफ से अभी जो इस तरीके का जो प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, तो आने वाला जो आपका प्लान है कि कुछ एक फिल्म रिलीज करने वाले थे, प्रोड्यूस करने वाले थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो किस टाइप की फिल्म है. अभी समझ लीजिए कि अभी रिसेंट मेरी जो मूवी का प्रोजेक्ट चल रहा है वो मुकुल देव सर के साथ, वो निश्चित तौर पर मैं सर जो मूवी हम प्रिपेयर कर रहे हैं एज डायरेक्टर वो आने वाले हैं. जैन और फेब में इसकी अनाउंस की जाएगी, उसका एक प्रीमियर करेंगे अच्छे तरीके से और बहुत जल्द फ्लोर पे लेके शूट करके आप लोग के लिए दर्शकों के लिए एक अच्छी फिल्म लेकर आएंगे. और कुछ स्टोरीज पर भी काम चल रहा है. अच्छा, शाइन ग्रुप के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शाइन ग्रुप हर एक बेरोजगार आदमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है. शाइन ग्रुप यहाँ पर लेके आने का मतलब यही है कि जितने भी लोग जिनके पास बेरोजगारी है, काम नहीं है, शाइन ग्रुप उनके बारे में सोचा और बहुत जल्द शाइन ग्रुप इसके बारे में एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू.